नमस्कार, XPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज एक अहम बैठक है। इस बैठक में NCP के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। हालांकि बैठक में सबसे पहले शरद पवार द्वारा उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए गठित समिति उनसे पार्टी प्रमुख के पद से दिए गए इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध करेगी। शरद पवार ने अभी तक अपने इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोधों पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता लगातार शरद पवार पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच आज होने वाली NCP की बैठकें काफी अहम होनी जा रही हैं। NCP का उत्तराधिकारी चुनने वाली समिति आज बैठक करेगी और शरद पवार के निर्देशानुसार अगले कदम पर फैसला करेगी। सूत्रों ने कहा है कि ये सुप्रिया सुले NCP की अगली अध्यक्ष बन सकती हैं। कई लोगों ने संकेत दिया है कि वो विपक्ष में शरद पवार की कमान भी संभालेगी। समिति के लिए बड़ी चुनौती शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपने पाले में रखना है। ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि पार्टी के भीतर 68 वर्षीय अजित पवार के लिए कोई विशेष भूमिका तैयार की जा रही है। राजनीतिक उठापटक के बीच NCP अगले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अपना नेता को खड़े करने के लिए सहयोगी दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और अजित पवार विपक्ष के नेता हैं। अजित पवार की भाजपा से बढ़ती नजदीकियों की अटकलों के बीच मंगलवार को शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा की गई। कई लोगों ने माना कि शरद पवार का कदम उन्हें रोकने के लिए था और पार्टी में विभाजन हो सकता था। बुधवार को अजित पवार ने अपने चाचा से मुलाकात के बाद उनके हवाले से कहा कि मैंने अपना फैसला लिया, लेकिन आप सभी की वजह से मैं अपने फैसले पर पुनर्विचार करूंगा, लेकिन मुझे 2 से 3 दिन चाहिए। शरद पवार ने अभी तक अपना मन बदलने का कोई संकेत नहीं दिया है। भावुक पार्टीजनों को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, ये सच है कि इस तरह का फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानता था कि आप कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने सीधा फैसला लिया। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे पर सुप्रिया सुले से बात की। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले का समर्थन किया है। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि अजित पवार को राज्य का ख्याल रखना चाहिए और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति का ख्याल रखना चाहिए। अगर शरद पवार अध्यक्ष के रूप में बने नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार ने अचानक देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली, क्योंकि उनके चाचा ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया था। हाल ही में आत्मकथा के विमोचन में पवार सीनियर ने कहा था कि जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो हैरान थे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस रुख मोड़ लेती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।